हाय गाइस, वेलकम टू डिवाइन डिलीशियस। तो चलिए आज बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बटर मसाला, और वो भी घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो एक बार जरूर ट्राई करें। तो रेसिपी शुरू करें। बटर मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर। इसे मैंने इस तरह के पीसेस में काट के रखा है। ये मैंने लिया है 1/4 कप काजू के टुकड़े, और ये 1 टेबल स्पून मैंने लिए कसूरी मेथी, जिसे मैंने पानी में भिगो दिया है। ये लिए मैंने 2 बड़ी इलायची, 2 लिए हैं मैंने मीडियम साइज के टमाटो, थोड़ा सा मैंने लिया है पत्ता गोभी, 4 मैंने लिए हरी मिर्च और थोड़े से अदरक के टुकड़े। अब मैंने एक पैन के अंदर पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 3 मीडियम साइज के प्याज है, जिसे मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ उसके अंदर पत्ता गोभी। पत्ता गोभी ऐड करने से ग्रेवी जो है इसकी गाढ़ी और रिच बनती है, तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर ये ऐड कर रही हूँ। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज के टमाटर। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप काजू की टुकड़ी। अब इसको 5 से 10 मिनट तक हमें ढककर हल्का बॉईल करना है। 4-5 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये हल्के नरम हो गए हैं। मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। अब इसको ठंडा करके हमें मिक्सर ग्राइंडर में पीसना है। तो अनियन और गोभी का जो मिक्सचर था, उसे ठंडा करके मैंने मिक्सी में पहले अच्छे से पीस लिया, और फिर उसे मैंने चलनी से छान लिया है। तो ये चलनी से छानने से ये जो वेस्टेज होता है ये निकल जाता है। बिना छाने अगर हम इसको काम में लेंगे तो ये जो छिलके हैं ये मुंह के अंदर आते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते। तो एक फाइन और स्मूथ ग्रेवी बनाने के लिए इसको छानना जरूरी है। तो अब हम सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। मैंने एक कढ़ाई ले ली है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ऑयल आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी ले सकते हैं। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बटर। हम पनीर बटर मसाला बना रहे हैं, तो बटर तो इसमें अच्छा डालना पड़ेगा। तो मैंने अमूल का सॉल्टेड बटर काम में लिया है। जैसे ही मेल्ट होने लगे, मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 बड़ी इलायची, काली इलायची है, और 2 दालचीनी के टुकड़े। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गार्लिक का पेस्ट। ये 4 से 5 बारीक कलियां मैंने जो है इसके पेस्ट बना के रखा था। ये मैं डाल रही हूँ अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। ये 3 हरी मिर्ची है मीडियम साइज की, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा था जिसका मैंने पेस्ट अलग से बना के रखा है। अब इसको हल्का सा हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इसको थोड़ा सा कलर आने तक हम भूनेंगे। तो बटर और ऑयल जो है वो कढ़ाई के ऊपर आ गया है, अभी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ जो मैंने प्यूरी बना के रखी थी, उसको इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून साल्ट। अब इसको हम ढककर करीब 5 से 7 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये काफी अच्छी कुक होने लगी है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून किचन किंग मसाला। ऐड कर रही हूँ मैं कसूरी मेथी, जिसे मैंने पानी में भिगो के रखा था। तो वापस से हम 10 मिनट ढक के कुक करेंगे। तो ग्रेवी गाढ़ी हो रही है, तो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी। ये 1/2 गिलास पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब इसको ढक के करीब 10 मिनट तक हम वापस से कुक करेंगे, जब तक ये अच्छे से कुक ना हो जाए और ये जो ऑयल और बटर है वो ऊपर ना आ जाए। डालने के बाद 10 मिनट इसको कुक होते हुए हो गए हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं। वाओ, बहुत अच्छा कलर आया है इसके अंदर, और ये काफ़ी थिक भी हो गई है, लग रही है ना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल।
तो इसके अंदर मैंने पत्ता गोभी जो डाली थी वो इसी वजह से डाली थी कि पत्ता गोभी जो है रेस्टोरेंट्स में डालते हैं इसकी ग्रेवी को रिच और थिक करने के लिए। लेकिन ध्यान रखें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसको ना डालें। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ एक बड़ी इलायची का पाउडर। ये बड़ी काली इलायची है जिसका मैंने फाइन पाउडर बना के रखा है। मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला। अब इसको मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक बस इसको कुक करेंगे। मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ फ्रेश क्रीम। तो आप अमूल की क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर घर की मलाई ली है। लेकिन ध्यान रखें अगर आप घर की मलाई यूज़ कर रहे हैं तो उसको एक बार छलनी से ज़रूर छान लें, जिससे वो अच्छी सी एक प्यूरी बन जाए। तो ये फाइन हमारा हो गया ये तैयार। अब इसको हम 1 से 2 मिनट एक बार इसको बॉईल कर लेते हैं। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ये पनीर के स्लाइसेस, जिससे पनीर के अंदर ग्रेवी जो है अच्छे से लटपट हो जाए। अब इसको मैं 1 से 2 मिनट तक बस कुक करूंगी, जो हल्का सा जो ऑयल है वो इसके चारों तरफ आ जाए। वैसे बहुत ज्यादा ऑयल मैंने डाला नहीं है और होता भी नहीं है इसके अंदर। तो लीजिए 5 मिनट इसको कुक होते हुए हो गए हैं और ये एकदम फाइन तैयार है। तो ग्रेवी जब गाढ़ी होने लगे तो थोड़ा सा ध्यान रखें, इसको बीच बीच में स्टर करते रहें, नहीं तो ये कढ़ाई में नीचे चिपक भी सकती है। ऑयल इसमें ज़्यादा होता नहीं है तो एकदम फाइन अब ये तैयार हो गई है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। तो लीजिए गर्मा गर्म बटर पनीर मसाला बनके तैयार है। अब इसे पूरी परांठा या नान किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो लग रहा है ना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो एक बार बना के जरूर देखिए, सबको बहुत ही पसंद आएगा। मैं ये ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में लगे बेल आइकन के ऑल बटन पर क्लिक करें, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक नए रेसिपी के साथ। बाय बाय।